पहली घटना 5 मार्च 1966 कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया। जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर मिजोरम पर हुए बमबारी के लिए कांग्रेस और इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया है, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी दिन नरेंद्र मोदी अमृतसर के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए आतंकियों को भी शहीद, मासूम और इंदिरा गांधी को गुनहगार करार देंगे। अब सदन में खड़े होकर बिना तथ्यों पर बात किए देश की जनता को बरगलाना ही है तो कुछ भी बोला जा सकता है कि नहीं? पंजाब तोड़ने और अलग देश बनाने की मांग करने वाला अकाली दल आज भाजपा का सगा भाई है। कश्मीर तोड़ने वाली पीडीपी के साथ भाजपा ने कश्मीर में ही सरकार बनाई है। चीन और पाकिस्तान के इशारे पर मिजोरम तोड़कर नया देश की मांग करने वाले की पार्टी जो है एमएनएफ, मिजोरम नेशनल फ्रंट, वो आज भाजपा के गठबंधन दलों में एक घटक दल है। मतलब देश तोड़ने वाली सारी पार्टियों के साथ गठबंधन भाजपा का और टुकड़े टुकड़े गैंग हो गया जेएनयू। वाह, कहीं मौका मिले तो एनडीए के 36 दलों का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उनके नामों को पढ़िए, आपको ये तमाम नाम दिखेंगे जो कभी किसी जमाने में देश विरोधी ताकतों के साथ संलिप्त रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। आपने एक चीज नोटिस की होगी, प्रधानमंत्री कभी भी द्विपक्षीय संवाद नहीं करते। एक बार कोशिश की थी, दोस्ती बनी रहे कहकर भागना पड़ा था। उसके बाद मन की बात करते हैं, मंचों पर से भाषण देते हैं या वैसा ही कुछ करते हैं जिसमें एक पक्षीय संवाद हो ताकि अनइंटरप्टेड झूठ बोलकर वो लोगों को बरगला सके। 10 जुलाई को सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने मिजोरम की जनता पर बम गिराए। ये कुछ ऐसे बोला उन्होंने जैसे इंदिरा गांधी और कांग्रेस मिजोरम वासियों का दोषी है और उनको अब कभी वोट नहीं देना चाहिए। जाहिर तौर पर सियासी मौके चूक साधने से प्रधानमंत्री कभी नहीं चूकते, पर उनको क्या मालूम है, क्या आपको मालूम है कि मिजोरम की कहानी क्या है? क्या आप जानते हैं कि मिजोरम में आखिर बम क्यों गिराए गए थे? चलिए आज हम उसी पर बात करेंगे। संक्षेप में आपको उस कहानी की पूरी हकीकत बताते हैं ताकि आप समझ सके कि मसला क्या है। लेकिन वीडियो को देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साल 1966 की बात है जब मिजोरम के कुछ गांवों पर बम बरसाए गए। निसंदेह आदेश देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ही था। क्यों था, इसके लिए आपको 6 साल और पीछे जाना पड़ेगा। साल 1960 में जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, मिजोरम तब असम का हिस्सा हुआ करता था। आसामी भाषा को लेकर दो समुदायों में अक्सर झड़प हुआ करती थी। असम में एक प्रस्ताव पास कर आसामी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया और जिन्हें ये भाषा नहीं आती थी उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। इससे मिजो समुदाय में गुस्सा पनपा और हिंसक झड़प होने लगी। आमतौर पर आज भी कई राज्यों में ऐसी झड़पें देखने को मिलती है जहाँ दो समुदाय भिड़ जाते हैं। चीन और पाकिस्तान की नज़रें ऐसे ही मौकों पर टिकी हुई थी। मिजो समुदाय के अधिकारों को बुलंद रखने के नाम पर एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट नामक संगठन की एंट्री होती है। चीन और पाकिस्तान ने इसके नेता लाल डेंगा को खूब फंडिंग की। लाल डेंगा ने भारत सरकार के सामने अलग देश की मांग रख दी। सेना के हथियार लूट लिए गए, जगह जगह हमले किए गए, सुरक्षा बलों को बंदी बना लिया गया और ये सब हुआ चीन और पाकिस्तान के इशारों पर। आपको याद हो 1962 में चीन ने भी हमला किया था और उसका टारगेट था कि नॉर्थ ईस्ट को किसी भी तरह से भारत से अलग कर लिया जाए। पाकिस्तान का ही पूरा सहयोग रहा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान से सटता है। होता यह था कि जब भी भारतीय सेना कार्रवाई करने जाती थी, मिजो आर्मी पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान का बांग्लादेश है उसकी सीमा में भागकर छिप जाती थी। भारतीय सेना असहाय थी, बॉर्डर पार कर नहीं सकती थी और मिजो फ्रंट आर्मी इसका पूरा सहयोग उठाता था, उसका पूरा फायदा उठाता था। इस बीच एमएनएफ के नेता लाल डेंगा पर देशद्रोह के मुकदमे भी चलाए गए। हो भी क्यों ना, जब 62 में चीन और 65 में पाकिस्तान ने हमला किया तो इस संगठन ने खराब स्थिति का फायदा उठाकर पूर्णतः भारत विरोधी गतिविधियों में और देश को कमजोर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक कि इंडोनेशिया जैसे देश से भी भारत के खिलाफ लाल डेंगा के संगठन ने मदद मांगी। ऐसे देशद्रोही लोगों का बचाव देश के ज्ञानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सदन में कर रहे थे। 1966 में ताशकंद में शास्त्री जी की मौत हो जाती है। अलगाववादी शक्तियों के लिए यह नैतिक विजय से कम नहीं था।
ऐसी विषम परिस्थितियों में इंदिरा गांधी देश की बागडोर संभालती है। उधर मिजोरम से भारतीय झंडों को हटाकर मिजो आर्मी अपना झंडा लगाने लगी है। इंदिरा गांधी के सामने स्थितियां बिल्कुल बेकाबू है। दो दो युद्ध का फायदा हर विरोधी संगठन उठाना चाह रहा है। द्रविड़ उधर अलग देश की मांग कर रहे हैं, मिजो अपना अलग देश मांग रहा है, अकाली दल उधर अपना पंजाब मांग रहा होता है, कश्मीर पर पाकिस्तान का दाव चल रहा होता है। ऐसे में इंदिरा गांधी ने देश की सेना को खुली छूट दी कि किसी भी तरह से हो भारत की एकता को बनाकर रखना है और शांति व्यवस्था बहाल करनी है। वायुसेना को आदेश मिला 5 सितंबर 1966 से लेकर 13 सितंबर 1966 तक लगातार उन गांवों में बमबारी हुई जो लाल डेंगा के MNF यानी मिजोरम नेशनल फ्रंट का अड्डा बना हुआ था। लोकल अखबार बताते हैं कि हमले से पहले स्थानीय लोगों को हर संभव बचाने का प्रयास किया गया। केवल 13 स्थानीय लोगों की मौत हुई थी। जी हाँ, केवल 13 स्थानीय लोगों की मौत हुई थी। लाल डेंगा की सेना में हाहाकार मच गया। सेना बांग्लादेश यानी तब के पूर्वी पाकिस्तान की तरफ भाग खड़ी हुई। वायुसेना के हवाई संरक्षण में भारतीय सुरक्षा बलों ने मिजोरम में अपने आपको स्थापित किया। स्थानीय लोगों को फिर से जो बेघर हो गए थे उनको पूरे तौर तरीके से बसाया गया, उन तक हाईवे पहुंचाया गया ताकि आर्मी की मदद से उन तक तुरंत राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। फिर भी 2 दशक तक नक्सल पैटर्न पर हमले होते रहे, अशांति बनी रही। राजीव गांधी के समय 1986 में एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब MNF के साथ फाइनल शांति समझौता हुआ और 1987 में मिजोरम को अलग राज्य बना दिया गया। आज जो बसा बसाया भारत देश का अभिन्न अंग मिजोरम आपको नजर आता है वो इंदिरा गांधी की देन है। लेकिन मणिपुर की अशांति पर 1.5 घंटे तक कुछ न बोलकर अपनी विफलता पर पर्दा डालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम की जनता के कान में तेल डाल दिया। ऐसे बरगलाया जैसे मणिपुर की अशांति और मिजोरम की अशांति दोनों की जिम्मेदार कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस भाजपा के नेता पहले भी कह चुके हैं कि मणिपुर के लिए नेहरू जिम्मेदार है, तो बाकी ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर एक बार फिर से अपने एक पक्षीय संवाद से देश को बरगलाने की कोशिश की है झूठे तथ्यों के आधार पर। फिलहाल बाकी आपने वीडियो देखा ही है, प्रधानमंत्री को कल पूरे देश ने सुना है। हमने आपको मिजोरम की कहानी बताई जिसके लिए प्रधानमंत्री ने बड़े ही प्यार से कहा कि मिजोरम की जनता पर इंदिरा गांधी ने बम बरसा दिए, जबकि वो जनता नहीं थी, वो आतंकवादी थी, वो देश विरोधी ताकतें थी, वो चीन और इशारे पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकी संगठन थे जिसको इंदिरा गांधी ने देश से बाहर निकाला था। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार लाते रहते हैं। बिहार और देश की राजनीति के जुड़े अहम मुद्दों पर हम बात करते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।